कोई राजनीतिक रसूख भी उनका अपना, कोई रसूख हो, राजनीतिक रसूख ये बैठा है ना, कोई विधायक होगा तो मैं मंत्री बैठा हूँ ना आपके सामने इस परिवार के साथ में। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। राजसमंद के देवगढ़ में 20 नवंबर को 75 वर्षीय मंदिर पुजारी नवरतन प्रजापत और उसकी पत्नी जमुना देवी पर 10 से 12 लोगों ने पेट्रोल डाल जलाने का जघन्य अपराध कारित किया था। हुई घटना में पुजारी के 80% जलने की बात भी सामने आई थी। घटित घटना की सूचना पर IG प्रफुल्ल कुमार ने शीघ्र संज्ञान लेते हुए देवगढ़ SHO और कामलीघाट ASI संबंधित घटना के जाँच अधिकारी को निलंबित करते हुए घटना में घायल हुए पीड़ितों को उपचार के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराणा भोपाल चिकित्सालय की SSB में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान मंदिर पुजारी नवरतन प्रजापत की आज मौत हो गई। पुजारी की पत्नी जमुना देवी की हालत भी अस्थिर होना बताई जा रही है। पुजारी की मौत की सूचना के साथ ही जहां मोर्चरी के बाहर समाजजन व परिवारजन जमा होने लगे, वहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनज़र शहर के अधिकांश थाना SHO में जाब्ता तैनात किए गए। वहीं प्रशासनिक उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। शव न उठाने की मांग पर अड़े समाजजन से समझाइश के प्रयास किए गए। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से मोर्चरी में समाजजन से वार्ता करने पहुँचे विप्र वेलफेयर बोर्ड के चेयरपर्सन महेश शर्मा को 21 सूत्रीय मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन के तहत मांगों में से मुख्य मांगों के तहत मृतक नवरतन प्रजापत के भांजे संतोष प्रजापत ने बताया कि संपूर्ण मसले की निष्पक्ष जांच हो और परिवारजन को 50 लाख का मुआवजा, घर के 4 सदस्यों में से 2 को सरकारी नौकरी और घटना को कारित करने वाले अपराधियों को शीघ्र कार्रवाई। जिस भूमि को लेकर विवाद होना सामने आया उस भूमि के स्वामित्व के साथ ही मंदिर पूजा का अधिकार और परिवार की सुरक्षा की मांग, साथ ही संतोष ने शव को ले देवगढ़ ले जाने के सवाल पर कहा कि जब तक लिखित मांगों को पूर्णतया स्वीकार्य नहीं किया जाएगा तब तक शव का दाह संस्कार भी नहीं किया जाएगा। किस तरह का ज्ञापन दिया और किन बातों पर रजाबंदी हुई आपकी? हमने परिवार के साथ जो अन्याय हुआ न्याय की मांग कर रहे हैं और किस तरह की मांग ने हमने मुख्य रूप से रखी है, और मुख्य रूप से 2-3 मांगे जो है, 3-4 मांगे, उनके ऊपर उनके बिना हम धरने से हटेंगे नहीं और बॉडी का दाह संस्कार नहीं करेंगे। उसमें एक तो परिवार के जो पिछले 3-4-6 महीने से नुकसान हुआ है, 50 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं, और दूसरी चीज़ इनके जो 4 बालक हैं उनमें से 2 को नौकरी की मांग करते हैं, और तीसरी जो चीज़ है सुरक्षा इनको पूरी दी जाए, प्रोटेक्शन और स्थायी सुरक्षा की हम मांग करते हैं। और इसके बाद जो चौथी मांग है, जमीन, जो मंदिर जमीन का विवाद चल रहा है वो परिवार के पक्ष में जमीन को किया जाए ताकि ये विवाद समाप्त हो जाए, और चौथी चीज़ इनको पूजा का अधिकार आप वापस दिलाओ ताकि मंदिर में पुजारी जी के वंशजों द्वारा विधि विधान से पूजा आरंभ हो जाए। कुछ MLA का नाम भी सामने आ रहा था, उनका रसूख होते हुए मंत्री जी ने परिवार MLA को लेके काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि पूर्व में वो उनके पास काफ़ी सारे उन्होंने प्रस्ताव रखे थे, तो इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो भी लोग हों, मैं तो कहता हूँ छोटे से लेकर बड़ा तक सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या नाम भैया? मेरा नाम संतोष प्रजापत। आपको बता दें कि मंदिर पुजारी नवरतन को परिवार पिछले 2 पीढ़ियों से मंदिर सेवा का काम करता आ रहा था। मंदिर परिसर के साथ ही आसपास पड़ी खाली जमीन पर भू माफियाओं की नज़र थी, उसी को हथियाने के दृष्टिकोण से घटना को अंजाम देने की बात भी सामने आई। साथ ही पुजारी के बेटे ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन पर स्थानीय नेताओं के साथ ही अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की नज़र थी। मृत्यु से पूर्व लिए गए बयानों में भी मंदिर पुजारी नवरतन ने हमला मंदिर को लेकर किया गया यह बताया, जिसके तहत पुजारी हमले का मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह को बताया। हालांकि संबंधित मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेंद्र सिंह, मवर सिंह सरपंच पति, हरदेव जाट, जितेंद्र सिंह के साथ 7 आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ की गई पूछताछ में आरोपियों ने घटना को कारित करना स्वीकार किया। राजस्थान सरकार की ओर से मोर्चरी में समाजजन से वार्ता करने पहुंचे विप्र वेलफेयर बोर्ड के चेयरपर्सन महेश शर्मा ने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रतीत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।
संबंधित घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। साथ ही समाज और परिवारजन द्वारा दिए गए 21 सूत्री मांगों के पत्र पर बताया कि जो मांगे जिला प्रशासन से जुड़ी है उसे यहीं रुककर पूरी करवाएंगे और जो मांगे राजस्थान सरकार से जुड़ी है उसे वहां तक प्राथमिकता के साथ पहुंचाते हुए पूरी करवाएंगे। क्या रुक रहेगा सरकार का इस मामले को लेकर? देखिए, ये जो जघन्य अपराध हुआ इसके लिए सबसे पहले तो ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए था। जो दोषी थे, हमारी प्राथमिकता थी सबसे पहले उन दोषियों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुजारी जी को, प्रजापत जी को अच्छे से अच्छा बेहतरीन इलाज हो, उसका हमने सबसे पहले भरसक प्रयास किया, परंतु अब भगवान वो नहीं रहे तो हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। इनको जो भी राजकीय स्तर पे जो भी अच्छी से अच्छी मदद होगी वो सब कराई जाएगी। इनके जो जिस ज़मीन को लेके विवाद है उस ज़मीन के हकूमत सब सुरक्षित रखे जाएंगे। इनको वहाँ से कोई बेदखल, किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ से कोई बेदखल कर दे। और जो भी राजकीय स्तर पे मुझे ज्ञापन दे रहे हैं उस ज्ञापन में जो जो इनकी मांगे हैं जिला स्तर पर होगी मैं यहाँ निपटा के जाऊँगा, और जो राज्य सरकार के स्तर पर होगी मैं राज्य सरकार से बात करके वो इनके संबंध में दूर। कुछ ऐसे नाम भी आ रहे हैं जो राजस्थान के अंदर मंत्रालय में भी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे नाम भी आ रहे हैं सामने इस सारे मामले को लेके जो वर्तमान में विधायक के ऊपर भी होंगे, राजनीतिक रसूख भी उनका अपना। कोई रसूख हो, राजनीतिक रसूख ये बैठा है ना, कोई विधायक होगा तो मैं मंत्री बैठा हूँ ना आपके सामने, इस परिवार के साथ में मैं मंत्री बैठा हूँ ना, इस परिवार के साथ में इसीलिए बैठा हुआ हूँ। आप चिंता मत करो, कितना ही राजनीतिक रसूखात का आदमी हो, दोषी है। आपने देखा हो कि कोई आंध्रा में बैठा था ना, तो सरकार ने, प्रशासन ने वहाँ प्लेन से जाकर उसको पकड़ के लाए। और मैं परिवार से पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसा एक भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे बताओ, मैं यही मौके पर निर्देशित करता हूँ। सर, वाकई में देखा जाए तो राजस्थान के अंदर घटनाओं के घटित होने के बाद मंत्रालय जागता है, प्रशासन जागता है, तो क्यों पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो जाती है? देखिए, अब इसकी पूरी घटना का तो अब मैं विवरण दूंगा। मैं जब से घटना घटी उसी रोज से मैं जिला प्रशासन के संपर्क में हूँ, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मेरी नियमित रूप से वार्ता चल रही थी। मैं उनको सारे निर्देश दे रहा था कि सबसे पहले मैंने कहा दो प्राथमिकताएँ थी, सबसे पहले प्रजापत जी को बचाया जाए, इनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, दूसरा दोषियों को पकड़ा जाए। वो दोनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने इसमें कोई कमी बेसी रखी आपको बताओगा कि उस थानेदार को, उस इंचार्ज को उसको सस्पेंड किया गया, और भी कोई कितना ही बड़ा आदमी हो जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सर, राजस्थान पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अपराध की पूरी एक महकमा बन चुका है, लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी अपराध के अंदर एक बहुत जघन्य हत्याकांड हो गया। ये तो बहुत जघन्य अपराध है, इसके लिए मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ इस जघन्य अपराध में इस परिवार को संबल प्रदान करने। मैं परिवार के साथ हूँ, आप चिंता नहीं करें। कोई अपराधी है, जो भी कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसको पकड़ेंगे, उसको अंदर डालेंगे, उसको ठोकेंगे, चिंता। 21 सूत्री मांग में एक भी यह बात भी सामने आ रही है कि नौकरी की बात की जा रही है, तो किस तरीके से भरते हैं? देखिए, जो जो अभी मुझे ज्ञापन मिला नहीं, मुझे परिवारजनों से ज्ञापन दिया जा रहा है, मैं उसको जो मांगे यहाँ हो सकती है मैं जिला प्रशासन से, वो जिला प्रशासन के स्तर पर उसको निपटाऊँगा, और जो राज्य सरकार के स्तर पर मैं उसको मेरी अभिशंसा के साथ माननीय मुख्यमंत्री के पास जा कर के उसका जो भी होगा अच्छे से अच्छे इस परिवार के मैं फैसले करूँगा।